गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर नाइन्थ क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 78 डेटेड ऑन 30th of January 2021। तो बच्चों, 30 जनवरी 2021 की आपकी ये इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 78 है नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की, और इसमें हम इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एवरी सैटरडे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर क्या आती है, वर्कशीट आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रैक्टिस आपकी इसलिए कराई जा रही है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आपकी स्टोरी है या पैराग्राफ है, आर्टिकल है, डायरी एंट्री है, कुछ भी आता है तो आप लोग उसको लिख सकें। बस मैं आपकी हेल्प करूँगी। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है डायरी एंट्री 100 to 120 वर्ड्स में। आपको याद रखना है कि डायरी एंट्री हम हमेशा 100 to 120 वर्ड में लिखते हैं, मतलब 10 से 12 लाइनों की डायरी एंट्री आपकी होनी चाहिए। यू गोट टू नो फ्रॉम योर टीचर्स डैट स्कूल्स हैव बीन रीओपन फॉर क्लास 10th and 12th फ्रॉम 18th January 2021। आपको अपने टीचर से पता चला है कि आपके स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं 10th और 12th क्लास के लिए 18 जनवरी से, जैसे कि खुल गए हैं आपके स्कूल दोबारा से, और राइट ए डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू फील अबाउट द न्यूज़। तो आपको लिखना है कि आपको इस न्यूज़ को सुनकर कैसा महसूस हुआ। आर यू एक्साइटेड डैट स्कूल आर रीओपनिंग एंड यू मे बी एबल टू गो टू स्कूल सून, और आर यू वरीड एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेज। तो बताया है कि आप कितने एक्साइटेड हो, आपके स्कूल खुल गए हैं दोबारा से स्कूल जाने के लिए, या फिर आपको चिंता हो रही है, आपको ऑनलाइन क्लास अच्छी लगती थी, आपको कैसा फील हो रहा है स्कूल आपके खुल गए। समझिए और अपनी कॉपी में लिख लेना। देखिए, डायरी एंट्री 30 जनवरी 2021 सैटरडे, और 10 AM क्योंकि हम इसमें अपना टाइम लिखते हैं, फिर डियर डायरी करके हम अपनी डायरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू लिसन दैट अवर स्कूल वॉज रीओपनिंग ऑन 10th January। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी सुनकर जब मुझे पता चला कि हमारे स्कूल दोबारा से 18 जनवरी को खुल रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिटर्न टू स्कूल, मैं बहुत खुश थी स्कूल वापस आकर। डिस्टेंस लर्निंग वॉज हार्ड, वर्किंग विद कंप्यूटर कॉज्ड पेन फॉर आईज एंड फिंगर्स। जो डिस्टेंस लर्निंग थी, मतलब लर्निंग से दूर रहकर, वह बहुत ही हार्ड था, और कंप्यूटर के साथ काम करना तो वाकई में ही आँखों को और उंगलियों को बहुत ही दुखदायी था। मतलब उससे हमारी आँखें और हमारी उंगलियों को बहुत सफ़र करना पड़ता था। सारे दिन बच्चे कंप्यूटर पर बैठे रहते थे, लैपटॉप पर बैठे रहते थे। तो आई कुड अंडरस्टैंड द ऑनलाइन लेसन बट इट वॉज ईजियर वैन वी हैड फेस टू फेस मीटिंग्स विद द टीचर्स। मतलब ऑनलाइन टीचिंग अच्छी थी, मैं समझ सकता था, लेकिन जो फेस टू फेस टीचर के साथ मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उसका कुछ अलग ही दूसरा रिएक्शन होता है। वन मोर थिंग आई वॉज हैप्पी अबाउट इज टू सी माई फ्रेंड्स, और एक चीज़ ये भी थी कि मैं बहुत ही खुश था अपने फ्रेंड्स को देखकर। आई हैड सम डाउट्स इन सम चैप्टर्स, मुझे कुछ डाउट्स थे कुछ चैप्टर्स में, बट आफ्टर कमिंग टू द स्कूल आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर एंड क्लियर्ड ऑल माई डाउट्स बाई टीचर्स हेल्प। लेकिन स्कूल आने के बाद मैं अपने अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को, और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ टीचर्स की हेल्प से। नाउ आई वॉज गोइंग टू डू बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि अब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सो इट वॉज वेरी क्रूशियल टाइम। तो स्कूल में आकर एक अजीब सी, मतलब एक अच्छी सी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, और लर्निंग प्रोसेस हमारा अच्छे से होता है बजाय इन कंपैरिजन टू होम, बजाय घर के। तो मैंने अपनी फीलिंग लिख दी है बच्चों, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखिए, सेकंड नंबर का टास्क हमें आज की वर्कशीट में दिया गया है कि आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। इमेजिन यू वेंट टू ए पिकनिक एंड लॉस्ट योर फ्रेंड देयर इन ए जंगल नियर द लेक। सपोज कीजिए कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं और आपके वहाँ पर फ्रेंड जंगल में खो गए हैं लेक के पास। तो व्हेन द गार्ड केम टू आस्क फॉर डिटेल्स यू डू नॉट हैव ए फोटोग्राफ ऑफ दैट फ्रेंड। तो जब गार्ड आता है, चौकीदार आता है, आप उसको बताते हैं, तो आपके पास कोई फोटो ही नहीं होती अपने दोस्त की बताने के लिए कि आप उसको कैसे ढूंढ पाएगा फिर वो। यू हैव टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड टू द गार्ड हु विल सर्च फॉर हर हिम।
तो आपको डिस्क्राइब करना है अपने फ्रेंड के बारे में, गार्ड को, कि आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे ताकि वो उसको ढूंढ के निकाले. प्लीज राइट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फ्रेंड इन द स्पेस गिवन फेलो. तो आपको अपने फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है. देखिए बच्चों, ये भी मैंने आप लोगों के लिखने की कोशिश काफी हद तक अच्छी की है और इसी सेंटेंस में भी की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. तो देखिए, अवर स्कूल ऑर्गेनाइज द पिकनिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स. हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है पिकनिक सारे ही स्टूडेंट्स के लिए. इट वॉज नियर ए रिवर विद अ प्लीजेंट एटमोसफेयर एंड कूल एनवायरमेंट. एक नदी के पास है जहाँ का बहुत ही सुखद माहौल रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, और ठंडा एनवायरमेंट रहेगा और आसपास का वातावरण भी अच्छा रहने वाला है. मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड वी वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल. मैंने और मेरे दोस्त ने निश्चय किया कि हम फुटबॉल खेलेंगे. वी सर्च्ड फॉर एन ओपन प्लेस एंड स्टार्टेड प्लेइंग देयर. मैंने एक ओपन प्लेस, खुला स्थान ढूंढा और हमने खेलना वहाँ पर शुरू कर दिया. वी वर वी ऑल रन नियर द रिवर टू लुक फॉर द बॉल. तो हम सभी जो थे वह नदी के पास भागे बॉल को ढूंढने के लिए. माई बेस्ट फ्रेंड जम्पड इन टू द रिवर टू फाइंड द बॉल. लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो नदी में कूद पड़ा बॉल को ढूंढने के लिए. बट वैन ही वॉज मिसिंग इन रिवर. लेकिन जब वो खो गया नदी में, आई कॉल्ड द गार्ड. तो मैंने गार्ड को बुलाया. बट आई डोंट हैव एनी फोटो ऑफ माई फ्रेंड. लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त की कोई भी फोटो नहीं थी. आई टोल्ड, बच्चों यहाँ पर ठीक कर लेना आप, गार्ड आएगा यहाँ पर GARD गार्ड, दैट माई फ्रेंड हैड लॉन्ग हेयर. तो मैंने गार्ड को बताया कि मेरे दोस्त जो है जो मिस हो गया है, उसके लंबे बाल हैं, ब्राउन आइज हैं, है ना. आगे देखते हैं, ही वॉज वेरी टॉल एंड लुक्ड प्रीटी. वो बहुत लंबा था और सुंदर दिखता था. मे बी दिस डिस्क्रिप्शन हेल्प टू फाइंड माई फ्रेंड. हो सकता है ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है ये मेरे दोस्त को ढूंढने में काफ़ी मदद करे. दैट टाइम आर फ्रेंडशिप बिकेम मोर स्ट्रोंगर. और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दोस्ती ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गई है. क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मिस हो गया था. तो इस तरह से बच्चों देखो, मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए फ्रेंडशिप के लिए कोट भी लिखी है. क्योंकि कोटेशन अगर आप लिखते हैं स्टोरी में तो आपका एक अलग इम्पैक्ट होता है, एक्सप्रेशन अलग ही पड़ता है और आपको फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं. देखिए, फ्रेंडशिप इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू एक्सप्लेन. दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता संसार में. ये कोटेशन बच्चों जरूर याद कर लेना आप लोग फ्रेंडशिप के लिए. और देखिए, इस तरह से मैंने डायरी एंट्री भी और आप लोगों की स्टोरी राइटिंग दोनों लिख दी है, और वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें. इसी तरह से बच्चों आप लोग अच्छे से समझते हुए अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आई होप. तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने